बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खरीत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अंडरराइटिंग के रिलेटेड, जो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है नई अंडरराइटिंग की, रियल एस्टेट अंडरराइटर किस तरह से बनते हैं या काम किस तरह से करते हैं उसके रिलेटेड है। तो स्टार्टअप ले चुके हैं, पहले कुछ वीडियोज आ चुकी हैं मेरी, एक दो आई थिंक। तो अब ये वीडियो है ARV के ऊपर कि आपने MLS से ARV किस तरह से फाइंड करनी है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, और उसका तरीकेकार क्या होगा ना, और इसको प्रॉपर तरीके चेंज किया हुआ है। पहले वाली मेरी ट्रेनिंग में और तरीकेकार था, मैनुअल था। अब इसमें जो है क्विक CMA के जरिए फ़ौरन ही हमने निकाल लेनी होती है PDF फाइल, और वहाँ से हम जो है ARV निकाल लेते हैं। मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको जो है ARV को यहाँ से हम फाइंड करते हैं। और अगर चैनल पे आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो और लाइक कमेंट कर दिया करो यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो यार पूरी देखा करो अगर कोई चीज़ सीखनी है तो। अगर नहीं सीखनी तो फिर भी ना देखो पूरी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सीखना है कुछ तो फिर वीडियो लाजमी पूरी देखना, तभी आपको जो है ना पूरी फील्ड की समझ आएगी, काम की समझ आएगी। तो चलें जरा स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ARV क्या है, कैसे निकालते हैं यहाँ मैं अंडरराइटर के काम करते हुए। जी स्क्रीन पे आ गए, और अभी हम जो है ARV निकालेंगे कि ARV निकालने का MLS से तरीका क्या है। मैं अभी अपने क्लाइंट्स के रिलेटेड ही, जो क्लाइंट चल रहा होता है मैं उसके रिलेटेड ही आपको करके दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है। दूसरा अभी आपको जो है वो नहीं करूंगा। अब ये देखें, ये हमने एक्विजिशन वाले फोल्डर में से निकाल लिया, ठीक है। ये हमारी डील आ गई, 4 बेड और 1.5 बाथ जो है, और ये 1097 स्क्वायर फुट का ये प्रॉपर्टी है जिसके हमने ARV निकालनी है, और वैसे पूरी अंडरराइटिंग करनी है लेकिन ARV, ठीक है। तो छोटा सा ये ब्राउज़र आपने VPN खोल लेना है, क्योंकि ये वाला जो लिंक है इसके बगैर नहीं खुलता, ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ ARV पे, और नेक्स्ट वीडियो या पहले वाली वीडियो जो है आई थिंक वो होगी उसके ऊपर जो है रिहैब कॉस्ट जो है उसके ऊपर, रिहैब कॉस्ट किस तरह से हम निकालते हैं। तो ARV MLS को यूज़ करते हुए, ये MLS आपके सामने है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे खुल जाएगी, इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। 4 बेड है और 2 बाथ है, 1 फुल 1 हाफ, 1795 स्क्वायर फुटेज है। लेकिन हम इसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो स्क्वायर फुटेज आ रही है यहाँ पर, ये ओवरऑल स्क्वायर फुटेज है, ठीक है। हमने कौन सी स्क्वायर फुटेज देखनी होती है, प्रॉपर्टी डिटेल्स और अबव ग्रेड फिनिश्ड एरिया, ये देखें 1097 स्क्वायर फीट है। तो हमने इस हिसाब से चलना है, रिहैब कॉस्ट वगैरह भी निकालनी है, और इस हिसाब से हमने वो सारा कुछ जो है इसका देखना है। तो ये देखें पिक्चर खुल गई, पिक्चर्स खुलने के बाद हमने इसको जो है बंद कर देना है, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस ये वेबसाइट खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, इसके बाद ये खुद ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास डिटेल आ गई कि कितने बेड है, कितने बात है, इसकी डिटेल्स है, इसकी ARV निकालनी है। यहाँ हमारे पोडियो के अंदर इसकी ये एक स्टेप बैक चलेगा, जहाँ से हमने इसको ओपन किया था, यहाँ से ओपन किया था, ओपन करके तो इस लिंक्स पे जाके 1 Home TM जो ये लिंक है इससे हमने ओपन कर ली थी, और फिर हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये स्टेटस न्यू डील एनालाइज्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, जब हम डील को अंडरराइट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको एनालाइज्ड पे क्लिक कर देते होते हैं, और स्टेटस डेट जो है ये जिस दिन आप कर रहे होते हैं उसकी हम चेंज कर देते होते हैं, क्योंकि पता भी चलता रहे ना कि स्टेटस डेट, अब इसको अपडेटेड किस दिन हुई है, किस डेट पे अपडेटेड हुई है। डील सोर्स MLS से आई है, डील टाइप होलटेल है, फ्लिप नहीं है, फुल रिहैब नहीं करना, होलटेल है, सिंपल रिहैब होगा, थोड़ा बहुत जितना जो रेनोवेशन होगी और इसको हम आगे सेल आउट कर देंगे। नीचे रेनोवेशन ग्रेड के लिए हमारे जो क्राइटेरिया बना हुआ है उस शीट के ऊपर भी है, जो आपने शायद पहले देखी है मेरी दूसरी वीडियो के अंदर। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको वैसे डेमो दिखा देता हूँ, ये आपको मैं शीट दिखा देता हूँ, ये वो शीट है, ठीक है। ये स्टार्ट से फ्लिप प्रोजेक्ट, इसका Level 1 है जो $50 पर स्क्वायर फीट पे है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको साइड पे करें यार, हम ARV निकाल रहे हैं। तो ARV निकालने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने इसको किया कॉपी पूरे एड्रेस को, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम गए यहाँ पे, हमने यहाँ पे पेस्ट लोकेशन के अंदर, और इसको क्लिक कर दिया। लास्ट टाइम जो मैं कर रहा था MLS की वीडियो, वो यहाँ पे हम एक डायरेक्ट होम ढूंढते थे, और ढूंढने के बाद उसके जो एरिया सेलेक्ट करते थे और फिर हम काम करते थे। अब इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि 0.5 miles के अंदर अंदर जो है प्रॉपर्टीज सोल्ड हैं वो हमने निकालनी है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, पी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सोल्ड विथ 0 to 365 days करना है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो सेल हुई हुई हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सिंगल फैमिली है, मैं आपको रेंटल वाले भी करके दिखाऊंगा, वो डुप्लेक्स वगैरह होते हैं, ट्रिप्लेक्स होते हैं, मल्टी फैमिली होती हैं, तो ये हम सिंगल फैमिली वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। होल टेल या फ्लिप का हमारी ज़्यादा उसी में ही आती है, होल टेल वाली और फ्लिप वाली,
इसके अलावा हमने यहाँ पे स्क्वेयर फीट डालनी होती है, रेंटल में नहीं डालते लेकिन इसमें सिंगल फैमिली में लाजमी डालते हैं। हमारी कितनी थी 1097 स्क्वेयर फीट थी, तो हमने इधर से 950 कर दिया, 1250 कर दी, यानी कि उसके आगे पीछे 150-200 की रेंज में जो है स्क्वेयर फीट अप भी और डाउन भी वो डाल दिया, ताकि उसी रेंज में हमें जो है वो हाउसेज मिलें। अब हमने क्लिक किया मैप के ऊपर, मैप पर हम जाकर सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्टर से की हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है 69,500 की है, 4 बेड 2 बाथ ये मैंने सेलेक्ट किया है। ये 1,02,000 की है, 3 बेड 2 बाथ, ये 1,30 की है, 4 बेड 2 बाथ, ये यहाँ पे है 1,29 की, 4 बेड 2 बाथ, ये 1,12 की, 3 बेड 2 बाथ, ये 1,17,500 की, 3 बेड 2 बाथ। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि ज़रा हायर प्राइस वाली हो, और फिर उनको हमने देखना है कि उसमें सीन क्या है, वो फुली रेनोवेटेड हैं या नहीं है। हम यहाँ से जब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया सिंपल, इसको आप यहाँ क्लिक करें, इस तरह खुलता है, यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको क्लोज़ कर दें, फिर अगले वाले को सेलेक्ट करें। ये जब 2 पिन्स वाला आ जाता है तो इसको आप दोनों को देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही डाउन है, सो हम इसको नहीं कर रहे हैं। इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने आपको सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया। देन हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करके। कभी कभार ये भी हो जाता है कि हमें ज़्यादा सेलेक्ट करनी पड़ जाती है प्रॉपर्टीज़, कभी ये हो जाता है हमें एरिया भी 1 माइल तक भी ले जाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने, कि ये जो मेन हाईवेज़ होते हैं येलो कलर वाले खासकर, इनसे बाहर नहीं जाना, इस एरिया के अंदर अंदर रहना है। ठीक है, इस एरिया के अंदर अंदर रह के आपने जो प्रॉपर्टीज़ सर्च करनी है, अपने सेलेक्ट करनी है। खुल गया, ये खुलने के बाद ये हमारी सिलेक्टेड जो थी सिलेक्शन यहाँ पे हमारी शो हो गई है। हमने यहाँ पे इसकी पिक्चर्स देखनी है, ये पिक्चर्स वाला व्यू फ़ोटोज़, ये हमने इसकी ओपन कर लिया। इसका फ्रंट व्यू है, ये किचन है, ये देखें किचन के अंदर, और ज़बरदस्त नाइस होम है, ये डोर्स भी न्यू थे, क्लीन्स भी न्यू हैं, कलर न्यू हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि ये हमारी कॉम्प्स के रिलेटेड बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कंपेरेबल जो हम प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं सही है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, माशाल्लाह प्यारी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई इशू नहीं, गुड गुड गुड। आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं पहली 5-7 फोटोज़ देख के ओके कर दूँगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, फिर टेंशन नहीं। अगर आप भी कर रहे होंगे तो थोड़े दिनों में आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब ये मैं ठीक है, ज़बरदस्त हूँ मैं, गुड हो गया, इसको भी साइड पर कर दिया। देन नेक्स्ट वन, इसको हम देखेंगे, गुड फ्रेश है, ये भी फ्रेश है। ठीक है ना, यानी कि हमें कॉम्प्स के लिए कंपेयर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो हम परचेज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे कि यार जो फुल रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है, रिहैब प्रॉपर्टी जो सोल्ड है, बिक चुकी है, वो किस रेंज में बिकी है और उसकी कंडीशन क्या, हम उसको फाइंड यहाँ पे करते होते हैं। तो एक लास्ट वन रह गई है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, और ये मैं कर रहा हूँ होल सेल के लिए, एयरवे निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको मैंने जैसे पहले बताया। अब ये हमारी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ थी, हमने देख लिया, सेलेक्ट की हमने मैप के ऊपर से जाके, पहले हम वहीं सेलेक्ट करते थे पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है, क्योंकि जिस क्लाइंट का मैं काम कर रहा हूँ उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ये मैंने सेलेक्ट की हुई है, हमने रिजल्ट निकाल लिए। अब यहाँ पर क्विक CMA, ठीक है, कंपेरेबल एनालिसिस जो है ये, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपकी ये या तो PDF यहीं खुल जाएगी, अगर आप ब्राउज़र को और यूज़ कर रहे हैं, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोडर है तो ये फ़ौरन डाउनलोड हो जाएगी। सो ये होगी डाउनलोड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोड्स में ये मेरी प्रॉपर्टी एनालाइज हो गई, आगे 1 line CMA है। इसको हमने किया ओपन। अब इसने हमें क्या बता दिया, इसने हमें डिटेल बता दी है कि ये प्रॉपर्टी थी, इतने दिन में सेल हुई। ठीक है, सोल्ड टोटल 6, मिनिमम्स मैक्सिमम्स एवरेज, ये सारा कुछ उसने निकाल के दे दिया। अब ग्रैंड टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ थी, इसका हमें उन्होंने कितना बताया, 1,15 OP LP, ठीक है, लोएस्ट प्राइस, और ये SP जो है 1,14,417 डॉलर्स। सो हम इसको जो है ARV कंसीडर करेंगे अपनी, ये जो 1,14,417 छोड़ देंगे, इसने ऊपर से साइड पे कर दिया, करें 1,14,000 हमारी जो है ARV है। तो इस शीट को सेव करने के लिए हमने क्या करना है जी, इसको हमने रीनेम करना है QUIC के क्विक CMA-114K, 114K। ठीक है, अब सिंपल इसका एक और क्राइटेरिया भी है इस क्लाइंट का, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्विक CMA फोल्डर, ये फोल्डर्स हैं, इसके अंदर हम नया फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि एक डाटा मैनेज भी करना होता है ना, नया फोल्डर, यहाँ पे हमने इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने इसका फिर से वही जाके ये जो नेम है ओवरऑल नेम हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद न्यू फोल्डर का हमने नेम चेंज कर देना है, कॉपी एंड पेस्ट,
39.58, ठीक है, ये हमारी वो सी एम ए आ गया। अब इसी सी एम ए को यहाँ हम लास्ट पे ऐड करेंगे, ठीक है, चूज़ अ फाइल और क्विक सी एम ए, ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी, ये इसके अंदर अपलोड होगी, डन। ये काम था ए आर वी का इस अंडरराइटिंग के अंदर, ठीक है, जब कोई भी हम डील अंडरराइट कर रहे थे, ये मुझे असाइन हुई है, देखा अंडरराइटर ऑन डील अजीम, ठीक है, मैं इसको जो है अंडरराइट कर रहा था, ये आप लोगों के सामने अंडरराइटर ऑन डील अजीम सोयर, ये क्लाइंट है मेरा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है ए आर वी निकालने का एम एल एस से इस क्लाइंट के लिए, हर क्लाइंट अपना तरीकाकार भी बताता है, जैसे लास्ट वीडियो में हम निकालते थे ए आर वी तो हम मैनुअल निकालते थे, लेकिन यहाँ पे सी एम ए के जरिए हम फौरन क्विक सी एम ए और उसको पी डी एफ फाइल जो एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर उसको अपलोड भी कर देते हैं और हम वही ए आर वी लिख देते हैं। अभी ये होल टेल ए आर वी थी, सो ए आर वी में यहाँ होल टेल ए आर वी 114 ये मैंने राइट डाउन कर दिया, ठीक है, ये लिखी गई, इधर ऐड होगी पोडियो के अंदर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो किसी और चीज़ के ऊपर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।